नमस्कार, प्रोग्राम तारे आखते ने देख रहे साढ़े सारे ही दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ उपाय दसन जा रहे हैं, जो केतु खराब हो ये उपाय करोगे तो वधिया रह सकता है। पहली गल घर के आंगन दे विच थोड़े विहड़े दे विच कोई डॉगी होवे, फीमेल डॉगी जिहड़े अपने पिल्लियां दे नाल उत्थे रहे, तो संतान दे नाल संबंधित जिन्ने भी प्रॉब्लम्स हैगी है थोड़ियां दूर हो सकती हैं। जो बच्चों दीयां प्रॉब्लम्स आ रही हैं घर के मैंबर्स नूं ते आए हुए मेहमानों की गिनती दे विच उन्नियां की तकरीबन मिठियां रोटियां बनाओ, घर तो बाहर कावां नूं कुत्तियां नूं गावां नूं ये खिलाते रहो। 2 महीने तक उपाय करो जो केतु बहुत ही प्रॉब्लम दे रहा। 9 साल तो घट वाली कंजकों उन्हों दी लोड़ दी चीज़ा दो, पैरी हाथ लगा के आशीर्वाद लो। गणेश चतुर्थी का व्रत करो, काले तो सफेद तिल जड़े पानी के बहा दौ वधिया रहेगा। सोना पा सकते हो तो कन्ना दे विच वालियां पा सकते हो। फिर प्यारे दर्शकों घर दे विच सुख शांति दे लई ते आपसी झगड़े ना होन इहदे लई एक विशेष उपाय दसन जा रहे हैं, नोट कर लो। बहुत वारी हुंदा है कि घर दे विच छोटी छोटी गल ते कई सुनी हो जाती है। जनानी पति नाल लड़ पैंदी है, पिता पुत्र नाल लड़ पैंदा, भरा भरा चंद मन हो जाती है, घर का माहौल बिल्कुल खराब हो जाता है। सो ऐसी हालत दे विच जे किसी दे भी घर है इदा की प्रॉब्लम तो उपाय नोट करो जोड़े कर सकते हो। रोज़ सवेरे सवेरे उठ के बिना मूँह धोते दातन किते अपने हाथे नाल तुसी एक रोटी पकानी है, तेल नाल चोपनी नहीं है ते काले कुत्ते नूं खिलानी है। उदू बाद बाकी काम करो, घर का कलेश खत्म हो जाएगा। फिर घर दे विच दक्षिण वर्ती जिहड़ा शंख हैगा उहनूं स्थापित करो, रात नूं उहदे विच जल भर के रखो, सवेरे सवेरे उस जल नूं पूरे घर दे विच छिड़क दो, कलेश खत्म है, पैसा भी आएगा। फिर हर शनिवार तेल दे विच बने हुए तुसी जिहड़े बड़े वो बना के आसमान दे विच उड़दियां हुई इलां जे कितें मिल जाण तुहानूं, हवा सट्टोंगे इल कैच करके लै जूगी, जिदां दे चांसिस बनते हैं तो बहुत वधिया रिजल्ट्स हो सकते हैं। 1 किलो बड़े बना के खिलाओ इलां नूं 16 शनिवार तक करो, देखो फिर ये रिजल्ट्स। हुण दसन जा रहे हैं कि थोड़ी राशि के मुताबिक तुसी किहड़ा किहड़ा रुद्राक्ष पा सकते हो। प्यारे दर्शको, रुद्राक्ष कोई ज़्यादा महंगा नहीं हुंदा, 350 तो स्टार्ट हुंदा असली ते सिद्ध किया होया, लेकिन जे तुसी राशि के मुताबिक उन्हूं पाने हो सही तरीके दे नाल तां तुहाड़ी माड़ी किस्मत नूं चंगी किस्मत चों चेंज कर सकदा, किस्मत बहुत वधिया हो सकती है। सो इस तरीके दे नाल अज असी दसांगे सिर्फ 2 राशियां दे बारे, मेष ते वृष दे बारे। साडा यूट्यूब चैनल सबसक्राइब करो, आने वाले टाइम दे विच देखते रहो ते असी बाकी दे लई वी जरूर दस दांगे आने वाले टाइम च। लेकिन मेष राशि वाले 1 मुखी 3 मुखी 5 मुखी इन्हां नूं सिद्ध करवा के कट्ठिआं नूं धारण करनगे तो बहुत वधिया लाइफ हो जाएगी। वृष राशि वाले जे तुसी चाहते हो किस्मत जाग जावे, 4 मुखी 6 मुखी 14 मुखी 3 रुद्राक्षां नूं सिद्ध करवा के कट्ठिआं नूं धारण करो काले धागे दे विच, मेष वालिआं ने लाल धागे च करना, फिर देखो ते रिजल्ट्स। सो प्यारे दर्शको दस्सिओ कि किदां लग्गिआ साडा अज दा टॉपिक, जे वधिया लग्गिआ तां अपने दोस्तां दे नाल शेयर जरूर करिओ ते नाल ही नाल साडे यूट्यूब चैनल्स एस्ट्रोलॉजर सुखमिंदर लुधियाना इंडिया ते दूजा चैनल है साडा वॉइस ऑफ एशियंस, उन्हां नूं सबसक्राइब करना ना भुल्लिओ, क्योंकि इहदे नाल की होएगा कि साडे लेटेस्ट अपडेट्स तुहाडे कोल सब तों पहलां पहुँचणगे। तो वट्सएप ते ऐड करन दे लई अपने नंबर तो साडे नंबर ते वट्सएप ते सानूं गुड मॉर्निंग या गुड ईवनिंग भेज दो, असी खुद ही ऐड कर देंगे। नंबर है साडा 9876220533। सो बहुत सारे दर्शक पूछते हैं कि सुखमिंदर जी असी भी आके थानू मिलना चाहते हैं, तकदीर का हाल जानना चाहते हैं, थोड़े तो रतन ते रुद्राक्ष लैके पाना चाहते हैं, वास्तु का विजिट कराना चाहते हैं या नक्शा चैक कराना चाहते हैं। सो प्यारे दर्शकों सारिया चीज़ों के लिए सब तो पहला टाइम लै सकते हो, फिर आके पूछ सकते हो या टैलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी लै सकते हो। साड़ा पता नोट कर लो, एस्ट्रोलॉजर सुखमिंदर 30G सराबा नगर लुधियाना पंजाब इंडिया, फोन नंबर 9417020533 ते वट्सएप नंबर 9872620533। जाण तो पहला यही कहांगे सब तो वड्डा दरसा माँ का, जो भी घरों जाते हो माँ के चरण छू के जाइए, पिता जी का आशीर्वाद लैके जाइए, गुरु जी ने दसे रस्ते पर चलिए, झूठ ना बोलियो, गाला ना कढ़ियो, किसी का भी माड़ा ना करियो, तकदीर बहुत वधिया हो जाऊगी। तियां तों कुखां च ना मारियो, हर घर के बाहर एक रुख जरूर लगाइयो, नशियां तो परहेज करियो, तो 10 बंद कढ़ के नेकमां च खर्च कर देवियो, थोड़ी सारी लाइफ बहुत ज़्यादा वधिया होगी। कल फिर मिलांगे एक नवें विशे दे नाल, कल तक लई नमस्कार।